हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं YouTube पर बहुत दिनों बाद एक नए रेसिपी के साथ। आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। इस कोरोना के टाइम में घर में रहें और सेफ रहें, इस बात का ध्यान रखें। तो आज हम बनाएंगे चटपटा तीखेदार मैगी, जिसके लिए हम सामग्री क्या क्या लिए हैं आइए देखते हैं। हमने 5 रुपये वाला मैगी लिया है और हमने 2 प्याज बारीक काट लिया है और 2 टमाटर लिए हैं छोटे साइज के, इसे भी हमने बारीक काट लिया है। थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती है, 2 मिर्च हमने काट कर लिया है और 2 खड़ा लिया है, देखने में अच्छा लगेगा। आप अपने तीखा अपने हिसाब से ले सकती हैं, लेकिन हम तीखे और चटपटा बना रहे हैं इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा मिर्ची लिया है और इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च लिए हैं। आपको इच्छा हो तो डालिए, नहीं तो नहीं डाल सकती हैं। और 1/2 चम्मच हल्दी और ये मैगी मसाला है, 5 है इसमें, और स्वाद अनुसार नमक और सरसों का ऑयल लिया। देखिए गैस जलाकर हमने कढ़ाई रख दिया है, थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें हम ऑयल डालेंगे। क्या हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। 2 चम्मच के लगभग हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब इसे गर्म हो गया है, हमने 1 प्याज डालकर चेक किया, गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, हल्का सा थोड़ा सा भूनेंगे इसको। प्याज हल्का भून गया है, अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। हम शुरुआत में नहीं डालें क्योंकि जल जाता है तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है हरी मिर्च का। इस तरह से डालिएगा तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। एक बार ज़रूर बनाइएगा इस तरह से चटपटी मैगी। कभी भी भूख लगे आप इसे आसानी से बहुत जल्दी बनाकर खा सकते हैं। टमाटर डालेंगे कटा हुआ और इसे थोड़ा सा 2 सेकंड इसको भून लेंगे, थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे मसाला, ये मैगी मसाला, और इसका 1/2 हम लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, इसको एक बार हम चला लेंगे। थोड़ा सा एक जैसा पानी डालेंगे इसमें, मसाला जले नहीं, और इस तरह से हम चला कर अब इसमें हम पानी डाल देंगे और जैसे थोड़ा सा उबाल आएगा तो मैगी डालेंगे। तो लगभग हम इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे, अब इसमें उबाल आएगा उस गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं मैगी, और इसमें थोड़ा सा हम इसको चला देते हैं। तो देखिए इसे इस तरह से बीच बीच में चलाते रहना है, जो नहीं लगे, नहीं तो नीचे से लग जाएगा तो फिर टेस्ट बिगड़ जाएगा, जल जाएगा, उसके बाद टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से इसे चलाते रहें। हमारा मैगी बनकर एकदम तैयार हो गया है, इसे हम सर्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारा मैगी बिल्कुल बनकर तैयार है खाने के लिए। आप इसे कभी भी बनाकर खा सकती हैं। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक घर में रहें, सेफ रहें, टेक केयर।